नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रो आपको दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति शुक्ला है, मैं पिछले 15 साल से टीचिंग के सेक्टर में हूँ। मैं एज अ स्कूल टीचर पढ़ा रही थी, 2-3 साल मैंने लखनऊ में डेडिकेशन जोन में एज अ यूपी टेट फैकल्टी काम किया है, जहां पे मैं मेनली उनका चाइल्ड साइको और हिंदी ले रही थी। उसके बाद राइट नाउ अभी मैं देहरादून में हूँ और मैं वर्क कर रही हूँ एक एनजीओ के साथ में एज अ एजुकेटर ही, और साथ साथ में इस समय एक यूट्यूब पे छोटी सी पहल मेरी चल रही है केवीएस के बच्चों के लिए, कि जो हमारे केवीएस के बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू चल रहा है उनके लिए छोटी सी पहल चल रही है। साथ साथ में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी पहल मेरी चल रही है। मैं वीडियोस बना करके यूट्यूब चैनल पे अपने अपडेट कर रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस मेरी रिगार्डिंग योर इंटरव्यू क्लासेस पड़ी हुई है, जहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। आज का एक टॉपिक जो मैं लेके चलूंगी एक क्विक टॉपिक रहेगा। क्विक टॉपिक का मतलब ये है कि देखिये, ये आपका जो टॉपिक है वो आपके यूपी टेट में भी काम आएगा और केवीएस के इंट्रोडक्शन मतलब आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केवीएस में जैसे आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सपोज अगर वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में, या अगर हम बात करें यूपी टेट में तो यूपी टेट का भी जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें आप बोलो चाइल्ड साइको, तो चाइल्ड साइको में जैसे कि हमारे यूपी टेट में 150 नंबर का पेपर होता है, तो जिसमें अलग अलग भाग में पेपर हमारा डिवाइड होता है, जिसमें 30 नंबर में चाइल्ड साइको होता है, केवीएस में 60 नंबर में हो रहा है चाइल्ड साइको, और सुपर टेट में भी ऐसे ही 20-30 नंबर में बटा होता है। यूपी टेट में सॉरी सी टेट की अगर हम बात करें तो सी टेट में भी आपके 30 नंबर में चाइल्ड साइको होता है, यानी कि अच्छा खासा रोल प्ले करता है चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे टीचिंग एग्जाम पे, फिर चाहे वो इंटरव्यू के पार्ट में हो या वो रिटन के पार्ट पे हो, अलग अलग एग्जाम के लिए उनके अलग अलग रेशियो होते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर देखोगे तो काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए तो एक क्विक रिविजन आपका रहेगा ही रहेगा। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जब भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हो तो आपका जो ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके बेसिक्स में, इज इट? और जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता भी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, सारी चीजें होती हैं, वो किसमें आती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम अभी बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, और इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे और अपने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी, यानी कि मेरी जो क्लास होगी बायलिंगुअल होगी, तो किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी कि मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रही है या मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आप बता दीजिएगा, वो तब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ग्रोथ का मतलब होता है अभिवृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत है कि एंड क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज अभिवृत्ति और विकास। अभिवृत्ति और विकास होता क्या है, तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो कुछ लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, ग्रोथ मतलब सपोज जैसे कि हम जब पैदा हुए थे, या मैं जब पैदा हुई तो मैं शायद एक छोटी सी 4-5 किलोग्राम की जितनी भी बड़ी बच्ची रही होंगी, एक छोटी सी बच्ची थी। राइट नाउ मैं आपके सामने 5 फुट 6 इंच की एक लड़की खड़ी हुई हूँ। तो मैं जो ये मैं 5 फुट 6 इंच की हुई एक छोटी सी बच्चे की, यानी कि मेरे शरीर की रचना में
ग्रोथ हुई, मेरे हाथ पैर मुंह बाल आंख नाक सब में चेंजेस हुए ना, इतने इतने हाथ पैर से हाथ पैर मेरे बड़े हुए। तो जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो सीन होती है, दैट इज नोन एज अभिवृद्धि, यानी कि सीन जो कि दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो हमारे अभिवृद्धि में आ जाती है। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास को हम कहते हैं कि विकास, सपोज जब मैं पैदा हुई थी तो उस समय मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई संकेत नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, मेरे पास संकेत आते गए, शब्द आते गए, इस तरह से मेरा एक विकास हुआ भावनाओं का। यानी कि मुझे पता हुआ कि जब मैं किसी चीज को छू रही हूँ, मुझे अगर जलने पे दर्द हुआ है तो मुझे रोना है, अगर किसी चीज से मुझे खुशी हुई है तो मुझे हंसना है, अगर किसी की बात से मुझे चिढ़ मची है तो मुझे गुस्सा होना है। तो ये एक विकास हुआ मेरी भावनाओं का, मेरे ज्ञान का। यानी कि जब मैं छोटी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं ना, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे नहीं पता था कि अगर किसी ने मुझे दो उंगली दिखाई है तो इसका मतलब दो होता है, पर अगर आज मुझे दो प्लस दो ऐसे बोलेगा तो मैं आज उसे चार बताने में सक्षम हूँ। यानी कि मेरे ज्ञान का, यानी कि मेरी बुद्धि का, मेरी बुद्धि का विकास हुआ। तो जो विकास होता है, क्या ये आपको कहीं दिखा, ये कहीं दिखा कि पहले मैं ऐसे नहीं कर पा रही थी, मैं अब ऐसा कर ले रही हूँ? नहीं, ये हमें दिखा नहीं, बट ये हम फील कर सकते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ दिखाई देती है, और जो हमारी वृद्धि है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट जो हमारा है वो हमें फील होता है, यानी कि हम इसका अनुभव करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इसका अनुभव करते हैं। तो विकास हमारा दिखाई देता है और वृद्धि हमारी दिखाई देती है, और विकास हमारा अनुभव होता है, फील होता है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास हमारा शारीरिक होता है। कैसा होता है? शारीरिक होता है, जाहिर सी बात है, विकास हमारे शरीर का होता है, हाथ पैर का होता है, ठीक है, हमारी लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, हम घटते हैं, मतलब घटते तो नहीं है, वैसे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ग्रोथ शारीरिक होता है। अगर हम बात करें विकास की, हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, फिजिकल होता है और इंग्लिश में, और अगर हम बात करते हैं विकास की, तो जो हमारा विकास है वो शारीरिक भी होगा, वो भावनात्मक भी होगा, ठीक है, वो मानसिक भी हो सकता है, भावनात्मक मानसिक एक ही में आएगा, वो सामाजिक विकास भी होगा, ठीक है, वो संवेग का विकास होगा, यानी कि हमारा फिजिकल होगा, इमोशनल होगा, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, हमारा क्या होगा, संवेगात्मक, समाजात्मक, कॉग्निटिव और क्रिएटिव, मतलब ये सारे जो हमारे डेवलपमेंट आ जाएंगे वो फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव सारे हमारे ये डेवलपमेंट में आ जाएंगे, सोशल, सामाजिक में आ जाएगा हमारा सोशल। तो ये सारे हमारे डेवलपमेंट के पार्ट हो जाएंगे, और जो हमारी ग्रोथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होगी। ग्रोथ, सपोज मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कितनी उंगलियां हैं, आपने बोला पांच, मैंने कहा हमारे पास कितनी उंगलियां हैं, आपने कहा पांच, यानी कि हम इसे नाप सकते हैं, हम इसे नाप सकते हैं, मात्रात्मक। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, यानी कि हम इसकी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, बट जहां पे मात्रा के साथ साथ, जहां पे मात्रा के साथ साथ गुण भी होता है, सपोज मैंने कहा मेरे शरीर में कितने मेरे बाल कितने हैं, मतलब कितने बाल हैं मेरे सर में, तो ऑब्वियसली बात है हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे बाल हैं बहुत ही बंच में हैं, और या मैं बात करूं कि मैं किसी से कितना प्यार करती हूँ, या मेरे पास कितनी नॉलेज है, तो मेरा एक आईक्यू है, मेरा एक आईक्यू है जिसे हम नाप सकते हैं, बट मेरे आईक्यू का एक गुण भी हो जाएगा। तो जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है वो होता है हमारे डेवलपमेंट में, वो किस में आता है? हमारे डेवलपमेंट में आता है। अब अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ हम मान सकते हैं
कि ग्रोथ कैन बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ कैन बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जहां जहां ग्रोथ हो रही है वहां वहां डेवलपमेंट हो रहा है। मैं एक 10 साल की बच्ची बनी, यानी कि मेरी ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ के साथ साथ में मेरे, मैं एक साल से 10 साल की बच्ची बनी तो मेरी ग्रोथ हुई और ग्रोथ के साथ साथ में मेरा डेवलपमेंट भी हुआ, मेरा इमोशनल, मेरा फिजिकल, मेरा कॉग्निटिव, मेरा सोशल डेवलपमेंट भी हुआ। तो जहां पे ग्रोथ होगी वहां पे डेवलपमेंट होगा ही होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका डेवलपमेंट हो वहां पे ग्रोथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि ग्रोथ कैन बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्रोथ। इज इट क्लियर? ग्रोथ कैन बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्रोथ। अगर हम बात करें ग्रोथ, तो ग्रोथ हमारा छोटा भाई हो जाएगा, ठीक है, छोटा भाई, और ये हमारे बड़े भाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हमारे बड़े भाई साहब हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये हमारे बड़े भाई साहब हो गए, ठीक। तो ये इनमें आएंगे बट ये इनमें नहीं आने वाले हैं। संगी, जो हमारा ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। लीनियर का मतलब एक दिशा में चलती है, पर जो हमारी ये होती है, ये मतलब हर दिशा में चलती रहती है। जो हमारा विकास है वो हर दिशा में चलता रहता है। संगी संग मैं अगर आपसे बात करूं, जो ग्रोथ है क्या वो जीवन पर्यंत चलती रहती है? क्या वो लाइफ टाइम चलती रहती है? नहीं, ग्रोथ हमारी लाइफ टाइम नहीं चलती है। आज के 7-8 साल पहले भी मैं 5 फुट 6 इंच की थी और आज 7-8 साल बाद भी मैं 5 फुट 6 इंच की हूँ। यानी कि जो मेरी लंबाई है एक समय पे आने के बाद में लंबाई मेरी क्या हो गई? ग्रोथ मेरी क्या हो गई? स्टॉप, रुक गई। पर जो मेरी डेवलपमेंट है, जो मेरा डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, चलता रहता है। जितनी आज मुझे नॉलेज है, अगर मैं 10 साल पहले जाऊं तो शायद उतनी नॉलेज मुझे नहीं थी। तो जो डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा है, जो ये हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ हमारी कैसी प्रोसेस में आ जाएगी? ग्रोथ हमारी एक सर्टेन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक सर्टेन प्रोसेस है। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये हमारा? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैं जहां तक आशा करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप अच्छे से इसको यहाँ पे समझ चुके हैं। कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट करके बताइएगा। और शॉर्ट में मैं फिर से बता दे रही हूँ केवीएस के बच्चों के लिए कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप क्या अंतर पाते हैं, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, पर डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ग्रोथ जो हमारी होती है सीन होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो सीन नहीं होती है, दैट वी कैन फील, दैट इज एनफ फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे की क्लास में हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा इसके अलग अलग फेज और इसके अलग अलग फेज और सिद्धांतों के बारे में। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।